नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ सीमांत जनपद वासियों की सरकार लगातार उपेक्षा करती आ रही है। यह बात सरकार द्वारा बीते दिवस बगैर प्रतिस्थानी के ही जनपद के 15 चिकित्सकों के तबादले किए जाने से साबित होती है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व से ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोग परेशान हैं और अब 15 चिकित्सकों के तबादले किए जाने से आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह बात आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर ने आक्रोशित होकर कही। इस दौरान उनकी उपस्थिति में यूथ कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ केमू स्टेशन में प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर ने कहा कि ये हाल तब है जब सूबे के मुखिया का गृह जनपद होने के बाद भी लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। कहा कि वर्षा काल के दौरान सरकार ने अधिकारियों के अवकाश पर तक रोक लगा रखी है और दूसरी ओर 15 चिकित्सकों का स्थानांतरण कर दिया है। सरकार अभी तक बेस चिकित्सालय का संचालन तक शुरू नहीं करवा पाई है। उन्होंने इसे जनपदवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि यदि बगैर प्रतिस्थानी के चिकित्सकों को कार्यमुक्त किया गया तो पूर्व जनपद में उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष करण सिंह, आनंद धामी, प्रकाश देवली, शिवम पंत, निखिल एरी, अनिल खड़ायत, ईश्वर कोरंगा, नब्बू भंडारी, प्रदीप मेहर, गौरव रोहित सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। आज यूथ कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार का और प्रदेश के मुखिया का यहाँ पे मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है और सीमांत जिले में पिछले 60 दिनों में 15 डॉक्टरों को यहाँ से ट्रांसफर करके तराई में भेज दिया गया है, जो हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ है। और शोचनीय बात यह है कि उन डॉक्टरों का रिलीवर एक भी अभी तक नहीं आया है। दूसरा, जितने भी अगर आपदा काल होता है या वर्षा ऋतु होती है, इस दौरान सरकार छुट्टी में अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को नहीं भेज रही, लेकिन दूसरी तरफ आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ये दिखाता है कि आप सीमांत के लोगों के खिलाफ हैं। जिले से एक साथ 15 चिकित्सकों के स्थानांतरण किए जाने पर विभिन्न संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है। संगठनों ने बगैर प्रतिस्थानी के चिकित्सकों को कार्यमुक्त नहीं किए जाने की मांग की गई है। कांग्रेस के पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने इसे जिले के लोगों की उपेक्षा करार देते हुए बगैर प्रतिस्थानी के चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जिला चिकित्सालय प्रबंधन समिति के सदस्य चंद्रशेखर मखौलिया ने कहा कि बगैर प्रतिस्थानी के चिकित्सकों को कार्यमुक्त किया गया तो जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर जाएंगी। उन्होंने बगैर प्रतिस्थानी के चिकित्सकों को कार्यमुक्त नहीं किए जाने की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जाग उठा पहाड़ के गोपू मेहर ने भी इस मामले में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बगैर प्रतिस्थानी के स्थानांतरित चिकित्सकों को कार्यमुक्त नहीं किए जाने की मांग की है। इस मामले विभिन्न संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पिथौरागढ़ के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में उप जिलाधिकारी सदर आशीष कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पीटीए एवं अभिभावक शिक्षक विश्वास निर्माण की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीटीसी का गठन भी किया गया। इस दौरान एसडीएम ने अभिभावकों को शिक्षकों से नियमित संपर्क में रहने व कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रशासन को अवगत कराने, यदि कोई गंभीर समस्या हो तो जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी को अवगत कराने की बात कही। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप मिश्रा, अनूप कुमार गुप्ता सहित अन्य शिक्षक व अभिभावक मौजूद थे। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज भड़कतिया में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी सम्पन्न हो गयी, जिसमे रायंका गौरीहाट की कशिश भट्ट ने पहला, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मोनाकोट की अंजलि भट्ट ने दूसरा व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनीपातल की तनुजा कापड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागी आगामी 28 अगस्त को डीडी हाट में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम का शुभारम्भ खंड शिक्षाधिकारी सोनी महरा द्वारा किया गया। संगोष्ठी में 1.5 दर्जन विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य बलराज रावत, जिला विज्ञान समन्वयक डॉक्टर विकास पंत, हरिदत्त पुजारी, आभा चंद, चंद्रा जोशी सहित कई शिक्षक मौजूद थे। संचालन ब्लॉक समन्वयक भीम सिंह कार्की व मयंकिता गिरी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पिथौरागढ़ के एचोली में आयोजित युवा महोत्सव के दौरान बच्चों और युवाओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। युवा महोत्सव के अध्यक्ष अंकित ज्याला ने बताया कि इस बार प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र और बाल साहित्यकार ललित शौर्य की लिखी पुस्तकें भेंट की जा रही हैं। बताया कि पुस्तकें सुप्रीम यूथ क्लब द्वारा मोबाइल नहीं पुस्तक दो अभियान के तहत वितरित की जा रही हैं। इस दौरान पुस्तक के लेखक इंजीनियर ललित शौर्य ने युवा महोत्सव के अध्यक्ष अंकित ज्याला और सांस्कृतिक अध्यक्ष चित्रा जोशी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन विक्की मेहता किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक सहयोग चित्रा जोशी, हर्षित जोशी, मन्नू पांडे, हिमांशु कुंवर द्वारा दिया गया। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क। भारतीय सीमा से लगे नेपाल बैटडी डिलासैनी गांव पालिका दो गणना में बैटडी प्रहरी ने 46 वर्षीय दान सिंह धामी को 750 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दान सिंह धामी गोकुलेश्वर की ओर जा रहा था। जिला प्रहरी कार्यालय बैटडी के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बलराम पांडे ने बताया कि चरस पकड़ा गया दान सिंह धामी दारचुला के अपहिमाल गांव पालिका 5 का निवासी है, जिसको जिला प्रहरी कार्यालय बैटडी की प्रहरी टीम ने शक के आधार पर चेक किया तो चरस बरामद हुई। बताया कि पकड़े गए धामी से तहकीकात की जा रही है और चरस रखने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ने फांसी के फंदे में लटकर कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व अग्रिम कार्रवाई की। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार आज एक व्यक्ति द्वारा फोन के माध्यम से चौकी हरबटपुर कोतवाली विकास नगर को सूचना दी कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने घर पर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर चौकी प्रभारी हरबटपुर पुलिस टीम ने शीघ्र मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को पंखे से नीचे उतारकर निकट के अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। मृतक के संबंध में जानकारी जुटाने पर मृतक का नाम नरेश पुत्र स्वर्गीय दुखी राम निवासी एटनबाग, उम्र 50 वर्ष, विकास नगर होना पता चला। मृतक अविवाहित था तथा घर में अकेले रहता था। मृतक के शव को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल में रखा गया है। पुलिस की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही जारी थी। हर रोज प्रदेश भर की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।